हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम टेस्ट 7 का डिस्कशन करेंगे, पहला डिस्कशन। इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स से नहीं हो रहे होंगे या डिफिकल्टी फेस हो रही होगी, वो वाला डिस्कस कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन ही है स्वागत के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, लेट एफ बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन सो दैट एफ स्क्वायर प्लस एफ इज 0। अब बच्चा इसको कैसे सोच सकता है कि एफ स्क्वायर प्लस एफ 0 है, यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फंक्शन का नेगेटिव है या फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव है। ऐसे बहुत सारे चॉइसेस ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एफ एक्स को लिया साइन एक्स, व्हाट इज पहला डेरिवेटिव, व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ फंक्शन और उसका सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव का रिलेशन है, तो मतलब साइन एक्स इज द चॉइस। साइन एक्स लिया जा सकता है, ले लेते हैं। तो इफ आई चूज एफ एक्स टू बी साइन एक्स, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब जो जो चीज़ें पूछ रहे हैं उसके लिए आपको आगे के डेरिवेटिव्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो निकाल ही लेते हैं। देखो भाई, एट जीरो इट इज जीरो, एट जीरो एट जीरो इट इज 1, एट जीरो इट इज 0, एट जीरो इट इज -1, एट जीरो इट इज 0, एट जीरो इट इज 1। आप देख रहे हैं, अगर आगे भी एट जीरो पे देखें तो ये जो सीक्वेंस बनेगा वो 0, 1, -1, ये तीन पॉइंट्स का सीक्वेंस बनेगा। मतलब यही चीज़ें रिपीट, 0 इज कमिंग अगेन एंड अगेन, 1 इज कमिंग अगेन एंड अगेन, एंड -1 इज कमिंग अगेन एंड अगेन। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है ही, और इसके तीन लिमिट पॉइंट्स हैं 0, 1 एंड -1। उसमें से लिमिट सुपीरियर आ जाएगा आपका +1, लिमिट इंफीरियर आ जाएगा -1, बिकॉज लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बराबर नहीं है तो सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं है। नाउ लेट अस सी वो पूछ क्या रहे हैं। लिमिट जो है सीक्वेंस का वो इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन डज नॉट राइज, दिख ही रहा है आपको लिमिट सुपीरियर इंफीरियर बराबर नहीं आएगा, तो लिमिट तो है ही नहीं, गलत है। दूसरा, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। भाई अगर आपने एफ को साइन ले लिया तो इसका सीक्वेंस तो बाउंडेड ही रहेगा, तो ये भी गलत है। अच्छा, तीसरा, सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, ये साइन कॉस हमेशा बाउंडेड होता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तीन लिमिट पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, 1, 1, 1 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का काम करेगा, 0, 0, 0 भी करेगा, और -1, -1 जो आएगा वो भी करेगा। तो ये वाला ट्रू है। डी पार्ट में लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफीरियर बराबर है, अगर बराबर होता तो इस फंक्शन में भी होना चाहिए था, नहीं है। इसका सी पार्ट करेक्ट है, क्लैरिटी के साथ करेगा बच्चा तो हो जाएगा। नेक्स्ट। हाँ जी, ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें से किस मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलीनोमियल सेम है। आइए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है वो आएगा मेरे बेटा x-1 का होल स्क्वायर, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जो मिनिमल पॉलीनोमियल है वो इसको डिवाइड करता है, तो या तो वो x-1 होगा या फिर वो x-1 का होल स्क्वायर होगा। हाँ जी, बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो लोएस्ट तो यही है आपका x-1। यहाँ आपको दिख रहा है मिनिमल पॉलीनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, इसके लिए तो सेम नहीं है, इसमें सेम आ जाएगा। कैसे आएगा सर? देखिए, इसमें एफ एक्स लेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर है, और बिकॉज ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो जो इसका मिनिमल पॉलीनोमियल है वो x-1 तो हो नहीं सकता, तो x-1 का स्क्वायर ही होगा। ये वाला करेक्ट है। सी पे आइए, अगेन मिनिमल, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बन जाएगा मेरे बेटा x-2, और मिनिमल पॉलीनोमियल के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो x बनेगा या x-2 बनेगा, बिकॉज ये जीरो मैट्रिक्स है तो ये x ही बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये भी सही चॉइस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मीठा क्वेश्चन था लेकिन मिठास भरा। नेक्स्ट। अगेन अ गुड वन। नॉन सिंगुलर बोले तो इन्वर्टिबल। हाँ जी, टी इज इन्वर्टिबल बोल दिया, इन्वर्टिबल बोल दिया, तो टी इज 1, 1, या सिंपली अगर बच्चों ने किताब में पढ़ा है, नॉन सिंगुलर का मतलब ही वही लगाते हैं, बुक्स में भी लिखा हुआ भी होता है। जो इसका कर्नल टी आएगा वो 0 हो जाएगा, या यूं कहिए नलिटी गया इसका। अच्छा, बट आप सबको पता है रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ वी, भाई ये तो 0 है तो वो और वो बराबर हो गए। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ वहाँ उलझने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट।
ये करेंगे बाद में देखेंगे, ये भी वैसे ही है। बट थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ, देखिए ये ट्रिपल इंटीग्रल है, इसमें वाई है, टू है, फिर 0 1, ये जो भी है आप ऑर्डर फॉलो करेंगे अगर एस सॉरी अगर आप बच्चा ऑर्डर फॉलो करेगा लिमिट के हिसाब से, तो ये अंदर वाला हो गया, फिर ये बाहर वाला हो गया, फिर बिल्कुल बाहर वाला हो गया, तो एक्स वाई जेड के लिमिट्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। कोई भी बच्चा कर सकता है सिंपली इंटीग्रेटिव को करना, तो इसमें तो टाइम लगाना ठीक भी नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए ये वी वन वी टू वी थ्री एल आई दे दिए, एल आई बोल दिया गया है, तो आप स्टैंडर्ड बेसिस ले सकते हैं आर क्यूब का, इसको ई वन ले लो, इसको ई टू ले लो, इसको ई थ्री ले लो, तो अपने आप एग्जामिन कर सकते हो। ये सिंपली एल आई ही एग्जामिन करना है, तो बहुत आराम से एग्जामिन हो जाएगा। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको ई वन ई टू ई थ्री लिया ऑल ऑफ यू, तो भाई ये बन जाएगा आपका ई वन प्लस ई टू माइनस ई थ्री, यानी दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल टू 1 1 माइनस 1, दैट्स द सेंस। ऐसे दूसरा वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 2 1 3 के, और जो लास्ट वाला है वो बराबर हो जाएगा आपका 5 है 4 है और 0 है। डिटर्मिनेंट लेके देख लीजिएगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो एल आई वैक्टर से, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं जीरो आया तो एल डी है, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टाइम लगाना इसमें भी ठीक नहीं। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने फोटो भेजा, कुछ बच्चों से नहीं हुआ, कुछ एक से हो भी गया था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने से नहीं हुआ। देखिए करते हैं, आइए, लेट टी फ्रॉम आर फोर टू आर फोर बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइंग टी क्यूब प्लस 3t² इज 4i। इमीजिएटली भाई टी क्यूब प्लस 3t² माइनस 4i इज 0, ठीक है सर, ये तो समझ में आता है। अब क्या करेंगे, अब ये एस को देखो जरा, एस है आपका t⁴ + 3t³ - 4t, यहाँ से आप निकाल लीजिए t कॉमन, तो दिस विल बिकम t³ + 3t² - 4i, और आप सबको दिख रहा है ये जो क्वांटिटी है ये तो जीरो है भैया, ये बन गया t अलोंग विद जीरो विच इज जीरो, तो s जीरो ऑपरेटर है। अब जीरो ऑपरेटर ना बेचारा वन वन होता है ना ऑन टू होता है, तो आप आ सकते हैं वन वन नॉट ऑन टू, ऑन टू ये तो सब बकवास है, इन्वर्टेबल इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो नॉन इन्वर्टेबल। बहुत मीठा बड़ा प्यारा लॉजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इसमें टाइम लग जाएगा, अभी रुकिए, ये अभी मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा, जैसे मैंने वो इंटीग्रल वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था और एल आई वाला किया था फटाफट से, ये फटाफट से होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा भाई। एग्जैक्ट पूछ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन, ये एम डी एक्स हो गया, वो एन डी वाई हो गया, तो डेल एम वाई डेल वाई दिस शुड बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हाँ नॉट इवन डिस्कसिंग, यही होता है एग्जैक्ट। अब कर लेना यार, इसमें क्या है, अभी रुको इसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के रुको, इफ एन इंटीग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ जी, मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, ले देखे दो चार टाइप्स ही हैं, फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में सिर्फ ओडी है, पीडी नहीं है, अगर पीडी होता तो क्या मज़ा आ जाता सच में, इट्स जस्ट लाइक ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी नहीं है, लेकिन ओडी ओडी भी पूरा नहीं है, इसी तरीके से ग्रुप थ्योरी भी पूरा नहीं है, कॉन्जुगेसी निकाल दिया, क्लास इक्वेशन निकाल दिया, साइलो निकाल दिया, जो असली जहाँ से सब कुछ बन के आ रहा वो तो निकाल ही दिया। ओडी में भी स्टर्म लाउविली प्रॉब्लम से बहुत कम चीज़ें आती हैं, आइजन वैल्यू प्रॉब्लम का कहीं आता पता ही नहीं है, जबकि वो उन चीज़ों से तो सारा काम होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस एक्स, जैसे भी करिए, आई थिंक लीनियर की तरह बन जाएगा, है ना, जैसे भी करो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, अब इससे आगे डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज लीनियर, यू कैन डू आराम से हो जाता है, बिकॉज ये इन्होंने दिया है पॉइंट पास करता हुआ, तो इसका मतलब वाई जीरो इज जीरो, वट 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 कैन आई से, लॉजिकल क्वेश्चन आराम से हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, रॉन्सकियन तो सबको आता है, बट ये मैं फिर भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि बच्चों का कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उनको, और
अच्छा खासा क्वेश्चन है, मतलब सब्सटेंशियल, नकली क्वेश्चन नहीं असली क्वेश्चन। विल बी डूइंग डोंट वरी, मैं करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपके साथ तो जो पिछला टेस्ट डिस्कस किया गया था, आई थिंक फिफ्थ और सिक्स्थ, मे बी सिक्स्थ, सिक्स्थ वाले में ये आया था, तो तब हमने जो किया है जाके डिस्कशन आप देख सकते हैं आप सभी लोग, फिफ्थ या सिक्स्थ में था ये, मे बी शायद सिक्स्थ में था। वहाँ पे ये इंटरवल चेंज था भाई। यहाँ ये याद करिए, इसको सॉल्व करते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि साइन थीटा जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी थीटा एन पाई के बराबर होना चाहिए। मैं करा चुका हूँ आपको, एन पाई के बराबर यानी जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई चल रहा है पूरा। तो भाई उसमें से इसमें सिर्फ पाई लाई कर रहा है, ये जो चॉइसेस आई हैं इन चॉइसेस में से इसके अंदर सिर्फ पाई लाई कर रहा है। राइट नाउ सी पार्ट करेक्ट होगा। हर वो बच्चा जिसने टेस्ट सिक्स दिया है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन कराया था, अगर टेस्ट सेवन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप खतरे में हैं। वो क्वेश्चन भी TIFR में आया था, ये भी TIFR में ही आया हुआ है। नेक्स्ट, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, नॉट इवन डिस्कसिंग। ठहरो भाई, अब इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बच्चों, बच्चों को मतलब दे आर वेटिंग, मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग। ये मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा। आओ, सपोज जी एक्स इज 2x+1 एंड एच एक्स इज 4x² प्लस 4x+5 एंड एच एक्स इज FOGX। ये जी एक्स है, ये एच एक्स है, ये भी एच एक्स ही है, कमाल है। कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल एफ एक्स एंड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। भाई इसमें तो बहुत अच्छा होता अगर उन्होंने एफ एक्स दिया होता तो। जी गिवन है, एच गिवन है, लेकिन एफ गिवन नहीं है। बच्चों को लगा कि ये कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट्स हैं, कुछ मिसप्रिंट नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बस एक चीज़ समझ लीजिए। हाँ जी, ऑल ऑफ यू, मान लीजिए कोई ग्राफ है भाई, आपको टेंजेंट टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट के लिए ये इस तरीके से टच होता हुआ जाना चाहिए। उसको कट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, यू नो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। अब टेंजेंट चाहिए तो दोबारा थोड़ी ना कट करेगा उस ग्राफ को, जैसे ये दिख रहा है अब। ओके, दूसरा सेकंड रिव्यू आप सबके लिए। मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ जी, इसमें जो रूट्स आते हैं माय डियर, वो आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई ज़रा नोटिस करिए, यस, अगर आपको रियल रूट्स चाहिए, रियल रूट्स चाहिए या कॉम्प्लेक्स रूट्स चाहिए, अगर ये अंडर रूट वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो गया फिर तो पक्का कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, 100% कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। अगर रियल रूट्स चाहिए तो ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है ये या तो 0 हो जाए या नॉन नेगेटिव हो जाए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यस, ध्यान से देखना भाई, यहाँ कुछ चक्कर है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो सर्कल है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी सब्सटेंशियली बचा हुआ है, यहाँ एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, अभी मैं टेंजेंट के बारे में बात कर रहा था, टेंजेंट भी छोड़ दीजिए। अगर मुझे 2 रूट नहीं चाहिए, एक ही रूट चाहिए, सर क्वाड्रेटिक में तो 2 होते हैं। अरे भाई, एक रूट का मतलब जो रूट चाहिए वो रिपीटेड चाहिए, अगर जो रूट चाहिए वो रिपीटेड होना चाहिए तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। एम आई राइट फॉर अ सिंगल? यस यस यस, समझ गया। तो बस ये इतनी सी चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ अभी इस क्वेश्चन में जाके लगेगी। सुनो भाई क्या होगा इस क्वेश्चन में, आइए। सबसे पहले भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ये पहले नहीं किया उसको तो परेशानी होनी होगी। दिस इम्प्लाइज एच एक्स दिया हुआ है 4x² प्लस 4x+5 और ये बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, यानी ये बन जाएगा एफ ऑफ 2x+1। नाउ प्लीज नोटिस, एफ इज गिवन एट 2x+1, और अगर एफ एक्स पता लग जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, 2x+1 यहाँ प्रेजेंट है वैसे, अगर देखो थोड़ा सा तो 2x+1 का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे बेटा, 4x² प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है ना। अरे ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, 1 भी ओ हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 2x, लेट मी राइट, 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस
प्लस फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन, भाई इससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकते। तो दिस एम्प्लाइज टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन। थोड़ी देर के लिए टू एक्स प्लस वन की जगह कुछ पुट कर दीजिए, मान लीजिए हमने टी पुट कर दिया या यू पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, तो टी स्क्वायर प्लस वन इज एफ टी। इज इट ट्रू फॉर ऑल टी? यस। सो देयर फोर जी एफ एक्स को क्या लेना चाहिए आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए कुछ तो होप जगह, कुछ आशा उम्मीद जगी कि हाँ कुछ हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ यहाँ बनाया जा रहा है, आ जाइए। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सॉरी चार में। हाँ जी मैंने बहुत सारे आपको टू डी थ्री डी में पढ़ाए हैं ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ चौथा हुआ बनता है, चार यूनिट ऊपर ले जाओ। तो दिस इज द यस प्रोबेबली दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यानी ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब क्वेश्चन जरा दोबारा से पढ़ते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू इट फ्रॉम द ओरिजन, अगर ओरिजन से इस ग्राफ के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो भैया वो तो ऐसी जाएगी, कुछ और तो दिख नहीं रहा। अच्छा टेंजेंट उधर एक बार कट, यू नो एक ही बार टच होगी, इधर भी एक ही बार टच होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है वो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना होकर के सिंपली y इज इक्वल एम एक्स होगी, बिकॉज जिस जिस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग होती है वही तो ओरिजिन से पास करेगा। तो ये लाइन और ये लाइन दिख ही रहा है आपको सिमेट्री के हिसाब से, तो ये y इज इक्वल एम एक्स है तो वो y इज इक्वल माइनस एम एक्स है। अब m फाइंड करना है, जरा साथ आना, ये और ये इंटरसेक्ट करेंगे बल्कि एक ही जगह टच करेंगे। सो y इज इक्वल टू एम एक्स इंटरसेक्शन विद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। बेटा जरा ध्यान से देखो, ये तो गजब ही क्वेश्चन है सच में। अब ये क्वाड्रेटिक है, दो रूट देगा, अगर मैं उधर हूँ उधर इधर वाला वैल्यू निकालना है तो एक ही जगह टच करना चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों रूट्स रिपीटेड होंगे, है ना, मैं आपको समझाया था। तो रिपीट जो भी है आपका फॉर टेंजेंट, फॉर टेंजेंट जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट दैट शुड बी जीरो। हाँ जी डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दिस शुड बी जीरो। दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन, दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। जी अगर उसको एम मान रहे हैं तो वो प्लस फोर हो गया, तो ये माइनस एम हो गया, माइनस फोर हो गया, बहुत बढ़िया। लो भाई ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू फोर एक्स, और ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स का लाइन। अच्छा अब फाइंड क्या करना है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। ये डिस्क्रिमिनेंट वाला याद रखना कि टेंजेंट एक ही जगह टच होगा, ऐसे जो ग्राफ दिख रहा है आपको दो जगह नहीं हो सकता उधर, तो इसलिए एक एक रूट ही चाहिए आपको, भले ही वो रिपीटेड आ जाए आपके सामने। बढ़िया नेक्स्ट थिंग निकालना क्या था, आ गया ये आपको निकालना है एरिया, एरिया इनक्लोज बाय ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड द पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब ये जो शेड पोर्शन शेड होगा अभी ये निकालना है। भैया पूरा का पूरा लेने की तो जरूरत भी नहीं है, हमें उधर वाले का ट्वाइस कर देते हैं और क्या। एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा जी दैट इज टू टाइम्स जी एक्स इज फ्रॉम वाई इज फ्रॉम, मतलब हम टाइप वन टाइप टू टाइप वन ले रहे हैं। पहले y देख लीजिए, y के लिए फंक्शंस और x के लिए कौन से दो कांस्टेंट है भी बात करेंगे उन पर। पहले y के लिए फंक्शन बताओ, ये लाइन है और फिर ये कर्व है। तो y के लिए लोअर लिमिट है आपका 4x और अपर लिमिट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और x इज बिटवीन व्हाट टू कांस्टेंट, सॉरी x इज बिटवीन व्हाट टू कांस्टेंट, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा इस लाइन पर उसका, अभी किया ही था आपने। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटरसेक्शन विद y इज इक्वल टू 4x। समझ में आ गया आपको, टू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू टू आएगा। हाँ सही सुना आपने, टू टू ही आएगा, सॉरी मतलब हमें ये जो पॉइंट है x इक्वल टू टू आएगा, है ना, x इज टू, लेट मी राइट, ये लाइन है आपका x इक्वल टू टू। x के लिए क्या आपकी लिमिट्स हैं, जीरो टू टू, बस रेस्ट ही होना।
अब फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं और आंसर आएगा 16/3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। खतरनाक क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लासेस में करा चुका हूँ, फिर भी दोबारा करा देते हैं। 0 to infinity e पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 plus e पावर माइनस x। यस, 1 plus e पावर माइनस x को आपने वाई पुट करना है, माइनस ई माइनस एक्स, और लिमिट्स वगैरह सब आप देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका वाई। जब एक्स 0 है तो वाई 1 है, जब एक्स इन्फिनिटी है तो 1 plus e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, वो भी हाँ जी, आइए। जब एक्स 0 है वाई इज इक्वल 1 plus 1 यानी 2, जब एक्स इन्फिनिटी है दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 1 plus 0 यानी तो लिमिट्स आप देख पा रहे हैं, वाई का लिमिट। हाँ, थोड़ा केयरफुली रहिए, माइनस आते ही पता लग गया, यहाँ यहाँ बड़ा होगा वहाँ छोटा होगा, इंटरचेंज तो करना है। तो 2 to 1, जैसे ही आपने इसको चेंज किया, तो ये बन गया 1 to 2। तो इसका आंसर आया ln2 minus ln1, दैट इज ln2 ओनली। हाँ जी, इनमें से किस सीरीज का सम ln2 होता है, खूब कराया क्लास में। दैट्स द क्वेश्चन। यस, अल्टरनेटिंग सीरीज जब आपने किया होगा, ये पहला क्वेश्चन होता है, इसका सम होता है भाई ln2, इसका सम ही ln2। तो यही करेक्ट है, मैं क्लास में करा चुका हूँ, और इसको अलग मेथड से भी कराया था, टेलर्स एक्सपेंशन से भी कराया इस क्वेश्चन को। हाँ जी, नेक्स्ट, ये डायगोनलाइजेबिलिटी बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी बाद में करेंगे भाई। ये है बहुत अच्छा, मार्वलस क्वेश्चन, आइए करा देता हूँ। ये लिमिट दिया है आपको, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ समथिंग पावर 1/n इज 3/5। जरा ठहरिए, आपने ये पढ़ा होगा रेशो थ्योरम या कॉशिस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्या कहते हैं कॉशिस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्या कहते हैं। दिस इम्प्लाइज ये जो लिमिट है, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, तो ये क्वांटिटी बराबर होगा यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन के, ये इसके बराबर होगा। पहले ये लिख रहा हूँ, तो ये जो भी है आपका, इसको यू एन मान लीजिए, दिस इज ए एन, ध्यान से देखते रहो। अरे, रेशो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस, सही सुना आपने, रेशो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस। क्या मिलेगा बेटा, सीक्वेंस यू एन टेंस टू जीरो, सीक्वेंस ऑफ यू एन गोज टू जीरो। दिस इम्प्लाई सीक्वेंस ऑफ यू एन का मतलब ए एन प्लस 3 into 1 minus 2/n पावर n गोज टू जीरो, या फिर इसको लिमिट फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ ये पूरा सीक्वेंस ए एन प्लस लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 1 minus 2/n, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, केयरफुली देखिए, ये तो निकालना है, इसका लिमिट कितना आएगा, जिन्होंने एक्सपोनेंशियल पढ़ा है उनको सबको पता है। दिस विल बी 3 into e पावर माइनस 2, और ये तो लिमिट एन ए एन है ही, तो बेटा यहाँ से पता लग गया आपको, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन कितना आएगा माई डियर भाई। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, अगर बच्चे ने पहले किया है तो ठीक है, नहीं किया तो थोड़ी तकलीफ तो होती है ऐसे क्वेश्चन निकालने में। नेक्स्ट,
ये भी बाद में कराएंगे, देखेंगे। हाँ जी, ये देखो भाई, ये भी कई बच्चों से नहीं हुआ होगा, लेकिन अब इस स्टेज पे आपसे क्वेश्चन होने चाहिए। ए दिया है 4x4 मैट्रिक्स है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है x^4 -x। यस, ध्यान से देखिए बेटा, इसको आप लिख सकते हैं, जिन्होंने 3 3√ यूनिटी पढ़ा है, दे नो क्या क्या होगा आगे। डाल दीजिए। अब यहाँ से ये पता लग गया कि ए के लिए आइजन वैल्यूज क्या क्या हैं। वो 0 है, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर के लिए आइजन वैल्यूज क्या क्या होंगे? 0 होगा, 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा का पावर 4 होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं ओमेगा पावर 3 इज 1। वॉट इज ओमेगा पावर 4? ओमेगा। थैंक यू। सो यानी ए स्क्वायर के आइजन वैल्यूज भी यही 4 हैं, यही 4 है, यही 4 है, तो सेम ही इक्वेशन तो आएगी बेटा। गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए स्क्वायर सेम ही होगा, क्योंकि रूट से सेम है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल के रूट सेम। नेक्स्ट, ये भी कर ही लेते हैं। आइए, डिफाइन अ सीक्वेंस एक्शन एज x1 x2 x3। भाई ये जो कुछ भी ले रहे हैं आप सीक्वेंस, ये पूरा का पूरा 0 1 के बीच में ही तो लाई कर रहे हैं, तो सीक्वेंस बाउंडेड तो हो ही गया। दूसरा, पहला 0.1 बढ़ गया, अगला अगला बढ़ गया, भाई दिस इज बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग, सो दिस सीक्वेंस xn, यस, इज बाउंडेड अबव एंड इंक्रीजिंग। जिन्होंने एमसीटी पढ़ा है, एमसीटी, दे नो सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। अच्छा जी, रेस्ट यू नो। तो कन्वर्जन नो वेयर गलत है, कन्वर्जन टू बोथ, बोथ थोड़े ना होता है, कन्वर्जन तो एक ही लिमिट पे करेंगे। लिमिट सुपीरियर इक्वल्स लिमिट इन, ऑब्वियसली भाई, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट सुपीरियर इंफीरियर बराबर ही तो होगा। हैज एटलीस्ट टू सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट टू अ रैशनल एंड एन, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सारे सब सीक्वेंसेस भी सेम लिमिट पे ही कन्वर्ज करेंगे। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया वो। अभी देखिए, ये कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, मैक्सिमम मिनिमा का है, 2 वेरिएबल का, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है अगेन चैलेंजिंग, जिसमें बच्चों को तकलीफ हुई। मैं बेसिकली वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें बच्चों को तकलीफ हुई है थोड़ी। क्यों, बन सके? उधर चलते हैं, इधर शायद प्रॉब्लम हो रही है। ठहरो भाई, ये मैं मान सके। मैं भी ऐसा करने से आ गए, इतना अच्छा क्वेश्चन सामने खड़ा है, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा। वन सेकेंड, आ गया आ गया, चलिए अपने आप ही आ गया, थैंक गॉड। आइए, ये क्वेश्चन करा था, देखिए भाई, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहला, द सेट ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स, वो ये गायब हो गया तो रुक जाओ, थोड़े देर में बुला लूंगा आपको। द सेट ऑफ नील पोटेंट मेट्रिसेस इन M3R स्पैन M3R। भाई ये पहला स्टेटमेंट देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट बच्चों को तकलीफ देते हैं। ये कह रहे हैं कि M3R दिस शुड बी इक्वल टू स्पैन ऑफ नील पोटेंट मेट्रिसेस N1 N2 जो जितने भी हैं। अच्छा जी, मान लीजिए ऐसा है, हाँ जी, इसका यानी इसके सारे मेंबर्स उन सबसे ऑप्टिनेबल होंगे, बढ़िया। तो देयर फोर, अगर आइडेंटिटी मेट्रिक्स लूँ मैं 3x3, भाई वो भी M3x3 का मेंबर है, तो दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 दिस शुड बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नील पोटेंट मैट्रिसेस। अच्छा, मैं एक लिख के बता रहा हूँ, देखिए ये इस तरह का एनालिसिस में तो मज़ा आ जाता है। मान लो ऐसा है, α(n1) + β(n2) + γ(n3) एंड सो ऑन। बेटा एक चीज़ बताइए,
एन वन निल पोटेंट है, एन टू निल पोटेंट है, एन थ्री जितने भी हैं निल पोटेंट, निल पोटेंट में ओनली आइजन वैल्यू जीरो, तो इसका ओनली आइजन वैल्यू जीरो, उसका भी जीरो, उसका भी, तो सम का भी जीरो, तो इधर वाले की सबकी आइजन वैल्यू तो जीरो है, जबकि आइडेंटिटी की आइजन वैल्यू तो वन होती है, तो ये तो उससे आएगा ही नहीं कभी, थैंक यू वेरी मच, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, गलत है। दूसरा, इफ ए बिलोंग्स टू एम एन आर बी अपर ट्राइंगुलर विद ऑल डायगनल एंट्रीज वन सो दैट ए इज नॉट आई, देन ए इज नॉन डायगनाइजेबल। हाँ जी, ये वाला तो देखना पड़ेगा। ये ले लो, चलो, और बस इसने डायगनल पे वन बोला है और अपर ट्रायंगुलर बोला है, पर आइडेंटिटी नहीं लेना है। ये 0.7 है, ये भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या आएगा, इसका मिनिमल क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलीनोमियल या तो एक्स माइनस वन होगा, या एक्स माइनस वन का स्क्वायर होगा, या एक्स माइनस वन का क्यूब होगा। मेरे प्यारे प्यारे बेटा, अगर इसका मिनिमल पॉलीनोमियल एक्स माइनस वन हुआ, तो वहाँ से पता लगा कि एक ये जो मैट्रिक्स है, दैट शुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो, तो मिनिमल पॉलीनोमियल ये नहीं हो सकता, तो क्या होगा सर? अब चाहे कुछ भी होता रहे, सेकेंड पावर थर्ड पावर शोज कि इसके तो रूट्स रिपीटेड है मिनिमल पॉलीनोमियल में, मिनिमल पॉलीनोमियल के पास रिपीटेड रूट्स हैं, तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो ही नहीं सकता। गया, तो ये जो लिखा है ये दिस इज ट्रू, पहला गलत है, दूसरा ट्रू है, पहला गलत है, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। इसको कहते हैं क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन करना, देख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रॉपर सब ग्रुप्स, अगेन एन इजी वन, जिन्होंने एडीपी आईडीपी पढ़ा है भाई, जेड एडीपी जेड, ये छोड़ो, इसको छोड़ो, अगर आपको जी ई डी पी एच का कुछ भी चाहिए, अबेलियन होना है तो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे इंडिविजुअली, साइक्लिक होना है तो भी इंडिविजुअली देखा ही जाता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में भी इंडिविजुअली, तो सब ग्रुप में भी इंडिविजुअली, यानी इसका सब ग्रुप लीजिए, उसका सब ग्रुप एडजॉइन कर दीजिए, इसका सब ग्रुप बन जाएगा, तो जेड के पास कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं? यस, ये लो, इतने सारे सब ग्रुप्स हो तो गए, और सारे के सारे डिफरेंट हैं, आप समझ गए, इसका आइडेंटिटी लिया और उसके डिफरेंट सब ग्रुप्स लेते गए, तो ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट है, डी डी फॉर दिल्ली। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इफ एच वन एंड एच टू आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन प्रोडक्ट इज अ सब ग्रुप, प्रोडक्ट थोड़ा ना सब ग्रुप होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। दूसरा, एवरी सब ग्रुप इन अ, व्हाट नॉनसेंस, एवरी सब ग्रुप, हाँ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, आप इसका हाफ ले लीजिए, इसका हाफ कितना होगा, 74, डी 74, डायहेड्रल ग्रुप ले लीजिए, उसमें थोड़े ना सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। गया, दूसरा, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ दिस, भाई ये है आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4, भाई वो S3 होता है, S3 नॉन अबेलियन, ये भी गलत है। सर चौथा ऑप्शन, भाई चौथा प्रिंट नहीं हो पाया, मैं देख के लिख देता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये था, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमो फ्रॉम सी टू आर। अब भाई पहले तीन करेक्ट नहीं है तो चौथा ही करेक्ट होगा, ये लो, यहाँ से जेड ले लीजिए और वहाँ से रियल पार्ट ऑफ जेड लीजिए, मतलब एफ ऑफ ए प्लस आई बी को आपको डिफाइन करना है ए, तो ये आपका नॉन नॉन ट्रिवियल तो ही होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थिंग, अगला क्वेश्चन, हाँ जी ये शायद ही किसी बच्चे से हुआ, नहीं हुआ, आओ करा देते हैं। लेट एस इक्वल टू 0 1 यूनियन 2 3 एंड एफ फ्रॉम एस टू आर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक बना के दिखाते हैं आपको, क्लोज्ड 0
ओपन वन और क्लोज टू थ्री। देखिए इसके ऊपर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करना है। लो अभी कर देते हैं, यहाँ सर्कल लगा रहा हूँ मैं, यहाँ ओपन है बिकॉज वन पे डिफाइंड नहीं होगा, यहीं जहाँ से उधर ख़त्म किया है वहीं से शुरू कीजिए, लीजिए ये लो और ये भी लो। अब जिन्होंने भी सेट्स रिलेशन फंक्शंस की क्लासेस हमारे साथ की हैं भाई, उन सबको पता है परछाई कैसे ली जाती है, मतलब इमेज कैसे ली जाती है। ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ है भाई, इसका इमेज देखना है तो इसकी वाई एक्सिस पर परछाई देख लीजिए। यस, ये पूरा को पूरा एज इट इज चिपका दीजिए वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आ ही जाएंगे। सर बीच में टूटा हुआ, टूटा हुआ कहाँ है, जो यहाँ डिफाइंड नहीं था वो इधर आ गया। तो ये तो एफ एस है, और एफ एस आपका दिख रहा है आप लोगों को क्या है क्या नहीं। आइए जरा, एफ एस इंटरवल हो जाएगा वाई एक्सिस पे, दिख रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, एफ एस एग्जैक्टली वन डिसकॉन्टिन्यूटी टू डिसकॉन्टिन्यूटी। यस, थोड़ा ध्यान से देखो, कीननेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चा कहेगा कि सर ये तो ब्रेक हो रखा है, अरे भैया आप अपने डोमेन पे बात करिए ना, योर डोमेन इज 0 1 यूनियन 2 3, वाई आर यू लुकिंग आउटसाइड, ये तो डोमेन है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी होता रहे, कॉन्टिन्यूटी होती रहे, डिसकॉन्टिन्यूटी होती, आपको क्या करना है उससे। इतने पे कॉन्टिन्यूस है, इतने पे बिल्कुल है, क्या क्या इशू है, बिल्कुल है सर, टू पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, वन पे नहीं है, अरे भाई कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, वट इज कॉन्टिन्यूटी, एफ सी प्लस एफ सी माइनस बराबर होने चाहिए इंटीरियर पॉइंट के लिए। बाउंड्री पॉइंट के लिए क्या होगा, अगर बाउंड्री पॉइंट पहले वाला ए है तो एफ ए और एफ ए प्लस बराबर आने चाहिए, अगर बाउंड्री पॉइंट बी लास्ट वाला है तो एफ बी और एफ बी माइनस बराबर आने चाहिए, दैट्स इट। बताइए ज़रा, जितना एफ टू है क्या उतना ही एफ टू प्लस नहीं है, जितना एफ थ्री है क्या उतना ही एफ थ्री माइनस, बिल्कुल है सर वन, अरे वन पे तो डिफाइंड ही नहीं था, तो यहाँ दिख तो रहा है आपको लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूस भाई, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है, मार्वेलस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी बहुत चैलेंजिंग जबरदस्त क्वेश्चन है, एंड प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आइए, डिनोट बाय एन और व्हाटएवर द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ए हैविंग द प्रॉपर्टी दैट फोर इज द ओनली आइजन वैल्यू ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल के रूट्स होते हैं आइजन वैल्यूज, तो यहाँ से आपको पता लग गया, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालेंगे तो वो बन जाएगा एक्स माइनस फोर होल पावर। अच्छा, वॉट इज केली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल, सो दिस इम्प्लाइज ए माइनस, सॉरी सॉरी, चलिए ये तो पक्का पता लग गया कि ये ट्रू है। नाउ व्हाट अबाउट दिस दिस एंड दिस, भाई सेकंड और फोर्थ के लिए आई, अगर मैंने ये चूज कर ली, हाँ जी ए को चूज कर लिया आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 4 4 4, बाकी सब जगह जीरो, आपको दिख रहा है ए इज इक्वल टू 4 आई है, यानी ए का सेकंड पावर 16 थर्ड पावर 64, तो ए एन इज इक्वल टू 4 ni हो जाएगा, तो उस केस 4 power ni, उस केस में ये गलत हो जाएगा। और सुनिए और सुनिए, ज़रूरी थोड़ी ना यही चूज़ कर सकते हैं, ये भी तो चूज़ कर सकते हैं, ए को चूज़ कर लीजिए, लीजिए अब मेरी बात समझ गए, यस स्टूडेंट्स, इसमें भी अपर ट्राइंगुलर है एंड एवरी आइजन वैल्यू इज 4, बट यहाँ अगर आप डिफरेंट पावर लेंगे, यू नो सेकेंड पावर नहीं है, सेकेंड पावर 4 square i नहीं है, थर्ड पावर 4 cube i नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब जरा तीसरे वाले को एग्जामिन करते हैं, बच्चा कहेगा तीसरा भी गलत है, हाँ सब गलत ही है, सब गलत है, सब गलत है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 है ना, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, जब इसको फैक्ट, ओए भाई कमाल ही हो गया भाई, देखना जरा, ए स्क्वायर माइनस 5a + 4i होल पावर n, बेटा जब आपने इसको फैक्टराइज किया तो ये बन आपको दिख रहा है एक्स माइनस 4 × x - 1 बन गया यार, तो ये बन जाएगा a माइनस 4i मल्टीप्लाइड विद a माइनस i होल पावर n, सो दिस इज सेम एज a माइनस 4in
multiplied with a minus i a, and you know what is a minus 4 i a. bhai sahab ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक है सच में, बहुत लाजवाब और खतरनाक क्वेश्चन. तो विद दीज क्वेश्चंस देखिए, जिन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत थी वो मैंने ज़रूर की है. हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही हल्का फुल्का डिस्कशन करके आगे चला गया हूँ मैं, बट वो मतलब उसी कैटेगरी के लिए, ये उस कैटेगरी का नहीं है कि मैं बोल दूँ अपने आप कर लीजिएगा ऐसे ऐसे, तो करके ही दिखाना पड़ेगा. चलिए, आई होप दैट डिस्कशन वॉज गुड. थैंक यू वेरी मच.